हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू दिस अनअकैडमी नीट टॉपर्स। क्योंकि ये बहुत सीरियस और बहुत अमेजिंग वीडियो आपके लिए होगा, ये आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। बहुत काम होके बहुत रिलैक्स होके सुनना है, कोई हड़बड़ी नहीं मचाना, कोई कमेंट में ऐसे भसड़ नहीं मचाना अपने को। ये वीडियो केवल और केवल आपकी बेहतरी के लिए है। मैं आपको देख पा रहा हूँ कि कई लोग अभी क्या होता है ना कि 7-8 दिन बाद वो फिर वही फेज में चले जाते हैं, ना नहीं पढ़ने वाले फेज में चले जाते हैं। मैं आपको बहुत काम और बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, रियलिटी में विश्वास करेंगे, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं रखेंगे, लेकिन सब लोग पूरा देखेंगे, ये प्रॉमिस कर दो। पहले पूरा देखोगे तो हो जरूर और जरूर, मतलब 99.99% 1% एक्सेप्शन लेके चल रहा हूँ कि बेटा वहां पे ना कुछ, मतलब 99.99% गारंटी दे रहा हूँ बेटा चेंज होंगे। कैसे चेंज होगा आइए समझते हैं। बेटा आपको भी पता है कि पढ़ना होता है। अब क्या करते हो, देखो सुबह उठते हो, 1 घंटे का पढ़ाई किया और फिर होता है चलो 1 घंटा तो पढ़ लिया ना, फिर थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं, तो एक गेम खेल लेता हूँ फिर थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं, फिर यार खाना खाने के बाद थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं, यार काश अभी दिन में ना नींद आ रही है शाम में पढ़ लेते हैं, शाम में वीटी सर के लेक्चर अटेंड करने के बाद पढ़ लेंगे, यार एक काम करते हैं कल से मैं पढ़ना चालू करूंगा, राइट? होता है ना, मैं भी स्टूडेंट था आपके जैसे 5-6 साल पहले, आपके आपकी जगह पे ही था, तो मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो। देखो अपने दिमाग में ये जरूर चल रहा होता है कि पढ़ना तो चाहिए पर मन नहीं लगता, इसलिए सेशन का टाइटल है कि जब पढ़ने में मन ना लगे तो क्या करना है। तो देखिए एक साइंस की बात करते हैं कि टॉपर्स में ऐसा क्या खास है, क्या टॉपर को हमेशा मन करता है पढ़ने का, क्या जो सक्सेसफुल इंसान है उसको हमेशा मन करता है काम करने का? तो इसका आंसर है नहीं बेटा, टॉपर्स को भी नहीं पढ़ने का मन होता है बेटा, सक्सेसफुल इंसान को भी रेस्ट करने का मन करता है, लेकिन ऐसा क्या खास है उनमें कि वो बहुत अच्छा मेहनत करके टॉपर हो जाते हैं, और ऐसा क्या खास है आप में जो आप नहीं कर पा रहे हैं? ठीक है ना, अभी करोगे ये वीडियो जरूर लास्ट तक देखना तो कर जाओगे। ठीक है ना बेटा, आपको भी एक कहीं ना कहीं एक थॉट आता है कि पढ़ लेना चाहिए पर मन नहीं होता। ठीक है ना, अंदर से वो फीलिंग नहीं आता, बैठा नहीं जाता, बैठ भी गए तो आधे घंटे बाद उठ के फिर बैट लेके निकल जाते हैं, कहीं बैडमिंटन लेके निकल जाते हैं, कहीं मोबाइल लेके निकल जाते हैं, आजकल तो सबसे बड़ा गेम मोबाइल हो गया। अब उसका एक साइंस समझिए, उसके पीछे साइंस समझिए कि कौन सा काम करने में मन लग सकता है और कौन सा काम करने में मन नहीं लगेगा। देखो जो भी गेम है ना बेटा, वो ब्रेन का होता है। ब्रेन में अगर डोपामाइन रिलीज हो रही है किसी काम को करने के लिए तो वो करने का मन करेगा। बेटा आपको क्यों मन करता है कि गोलगप्पे खाएं, क्यों मन करता है कि बेटा पिज्जा खाएं, क्यों मन करता है कि बर्गर खाएं? क्यों? क्योंकि एक थॉट बनी हुई है कि वो अच्छी चीज है, खाने में मजा आएगा। मूवी थिएटर से पहले आप कैसे भाग के जाते हो कि यार 2 मिनट की मूवी भी छूटनी नहीं चाहिए, बट क्लास के पहले वैसा नहीं होता है ना। जिन चीजों के लिए डोपामाइन रिलीज होगा ब्रेन में, वो ही करने का मन करेगा। आपके साथ प्रॉब्लम पता है क्या है, आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि पढ़ाई को रिलेटेड आपके पास कोई थॉट ही नहीं है कि इससे पढ़ने से मेरा अच्छा हो जाएगा। आप सब लोगों को पता है कि यार मैं बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाऊंगा, लेकिन इतना लॉन्ग टर्म की जब सोचोगे ना, इतना लॉन्ग टर्म की जब सोचते हो ना, तो डोपामाइन रिलीज नहीं होती है। तो अब हमारा फंक्शन ये है, हमारा मेन एम ये है कि किसी भी तरह करके माइंड में कुछ ऐसा एनर्जी, माइंड में वो हार्मोन रिलीज कराऊं जिससे मेरा पढ़ने का मन करता है। अभी हम प्रेजेंट के सिचुएशन पे डालते हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो पढ़ाई में मुझे डोपामाइन रिलीज कराना है, एंड फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू। तो अब हम आते हैं कि जनरल हम करें क्या। तो देखो कोई भी काम कैसे होता है मैं बताता हूं। माइंड कहता है करो, सबकॉन्शियस माइंड कहता है मत करो। दो तरह के माइंड है, एक प्रेजेंट माइंड जो मेन माइंड है, और एक है सबकॉन्शियस माइंड। माइंड कहता है चलो पढ़ लेते, जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, यार एक आधे घंटे बाद, यार थोड़ा देर और रुक जाओ। अगर ये माइंड और सबकॉन्शियस माइंड एक ही चीज बोलने लगे तो आप टॉपर बन जाते हो। अगर ये माइंड और सबकॉन्शियस माइंड एक ही चीज बोलने लगे तो आप हो जाते हो एक सक्सेसफुल इंसान। अब हमें ये माइंड के थॉट को और सबकॉन्शियस माइंड के थॉट को कैसे एक साथ लाना है, कैसे एक फ्रीक्वेंसी में लाना है, कैसे उनको रेजोनेट कराना है, सुनिए। कई बार आपने सोचा होगा कि कई बार आपने सुना होगा कि टीचर्स बोलते हैं कि यार रात में ही सोने से पहले रात में लिख लो कि बेटा कल क्या करना है। सुना होगा ना कि रात में ही बोलते हैं कि सर लिख के सो, कल का मेरा क्या रूटीन होने वाला है। पता है क्यों? क्योंकि जैसे आप लिख लोगे ना कल वाली रूटीन, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में प्रिंट हो जाएगी। और सबकॉन्शियस माइंड अब जब कल पढ़ने जाओगे ना, तो सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा कि अच्छा ये चीजें करनी है, तो वो स्टॉप नहीं होगा। सबकॉन्शियस माइंड भी बोलेगा कि हाँ करना है, और माइंड भी बोलेगा करना है। अब आप पता है क्या करते हो, रात में सो गए, सुबह उठे पढ़ने का मन किया, पढ़ लिए, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में तो पढ़ने वाला किस डाला ही नहीं ना, कुछ सोचा ही नहीं है पहले से। अगर वो काम आप रात में करते हैं, इसलिए द फर्स्ट शेड्यूल इज
सबकॉन्शियस माइंड और प्रेजेंट माइंड को आपको कनेक्ट करना है। कैसे? मेक अ शेड्यूल, रात में ही शेड्यूल बना लीजिए कि कल क्या करना है, और हर दिन का ये रूटीन होना चाहिए। सो द फर्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड आप सबके कॉपी में कि मेक अ शेड्यूल एवरी नाइट कि आपको कल क्या करना है। दूसरी चीज, किस चीज के लिए मैं डोपामाइन कैसे रिलीज कराऊं, पढ़ाई के लिए क्यों ना डोपामाइन रिलीज करा लूं। तो देखिएगा, किसी भी चीज में अगर मान लो मैं बोल दूं कि एक घंटा पढ़ लो बेटा, मैं आपको 5,000 रुपए देने वाला हूं, बेटा कुछ भी हो जाए, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, आप हिलोगे नहीं, ये मैं बता देता हूं। क्यों? क्योंकि पैसे से डोपामाइन रिलीज हो रही है, पैसे से आपके माइंड में आ रहा है कि यार मजा आ जाएगा अगर 5,000 रुपए सर ने दे दिया, मेरा भी भला हो रहा है पढ़ने में, ऊपर से रुपए भी मिल रहे। तो बेटा हमेशा ना रिवॉर्ड करो अपने आप को, हमेशा रिवॉर्ड करो। रिवॉर्ड करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, मैं साइंस से सब चीजों को जोड़ रहा हूं, कि क्यों रात में सोने से पहले वो चीज बनानी चाहिए, क्योंकि आपका माइंड और सबकॉन्शियस माइंड एक साथ आ जाए और तब जाके काम होता है, तब आप टॉपर बनते हो। दूसरी चीज, वो लोग बोलते हैं ना कि टास्क लिख लो, एक पेज में लिख लो कि मुझे क्या करना है, और जैसे ही लिखते, जैसे ही आपका काम हो जाए काट दो, जैसे ही आपका काम हो जाए काट दो। जैसे आप काटोगे ना, एक अलग लेवल की फ्रीक्वेंसी आती है। जब आपको पता है मेरे को, मैंने 4 क्लास लेनी होती है ना, तो मेरे पास डायरी है, मैं दिखाता हूं, मैं आई विल शो यू, वेट, मेरे पास ये डायरी है, ठीक है ना, बहुत अच्छी प्लेन सी डायरी है। अब इस डायरी में मैं लिख लेता हूं कि हाँ 4 बजे मेरी क्लास है, 9 बजे मेरी क्लास है, 8 बजे मेरी क्लास है, 5 बजे मेरी क्लास है। अब जैसे ही 4 बजे वाली क्लास खत्म हुई ना, मैं उस पर एकदम मस्त उसको तहस नहस करता हूँ पूरी राइटिंग को, और अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है कि ओ माय गॉड, जो सोचा था वो हो गया। एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा जब आप कल अगले साल रिजल्ट आएगा, जो सोचा था वो हो गया। वो जो कॉन्फिडेंस है ना, रोज में बना रहे, रिवॉर्ड योरसेल्फ, हमेशा अपने टास्क को लिखिए और उसको काटते जाइए, जैसे ही होना काटते जाइए। जैसे ही आप काटोगे ना, एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है कि ओ माय गॉड, मैंने जो सोचा वो कर लिया, तो डोपामाइन रिलीज होगा। ये होता है रिवॉर्ड करना। पहली चीज कि रात में सोने समय ही लिख लिए कि कल मुझे क्या करना है, ठीक है ना, कल मेरा जीजी मैम का क्लास कब है, कल जीजी सर का क्लास कब है, कल वीटी सर का क्लास कब है, ये लिख लिया। तो ये जो है ना, सबकॉन्शियस माइंड में प्रिंट हो जाएगा, तो माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में डिफरेंस नहीं रहेगा, तो आप टॉपर बन जाओगे। पहली बात वहां से। दूसरी बात सर, डोपामाइन रिलीज कराने के लिए जैसे ही वो टास्क कंप्लीट हुआ, मैंने उसको काट दिया, तो कॉन्फिडेंस रिलीज होगा, एक माइंड में हार्मोन रिलीज होगा और कहेगा ओ माय गॉड, यू डिड अ ग्रेट जॉब। आपको रिवॉर्डिंग फीलिंग होगी, समझ रहे हो? ऑलवेज रिवॉर्ड योरसेल्फ फॉर व्हाट यू आर डूइंग। हमेशा रिवॉर्ड आपको करना है कि आप क्या करने जा रहे हो। वीडियो लास्ट तक देखोगे, लाइफ चेंज हो सकता है। आपको पता है ये पबजी वाले क्या करते हैं आपके साथ? आपको पता है ये पबजी वाले आपके साथ क्या करते हैं? बेटा जब आप जैसे नूब बोलते हैं, नूब आप सब लोग ये सब से जानते होंगे, तो पबजी वाले पता है क्या करते हैं? जैसे आप इंटर करोगे ना, जैसे आप साइन इन करोगे, तो आपको पहले लो लेवल के बॉट देता है ताकि आप मैच जीत जाओ। आपको विनर विनर चिकन डिनर, अबे चिकन डिनर मिला क्या? नहीं मिला ना, लेकिन एक रिवॉर्ड बना दिया, और जैसे आपको चिकन डिनर मिलता है, आपको लगता है ओ माय गॉड, मैं तो फर्स्ट आ गया। 4 दोस्तों को अपने स्क्रीनशॉट भेजते हो, क्योंकि वो डोपामाइन रिलीज करा दिया, आपको विनर बनवा दिया। वैसे ही मैं बोल रहा हूं, पहले छोटे छोटे काम लिखो और उसको काटते जाओ, डोपामाइन रिलीज होगा और पढ़ने का आदत लगेगा, ठीक है ना? यस, छोटे छोटे काम लिखो, हर घंटे का काम लिख लो, हर 2 घंटे का काम लिख लो, और हर 2 घंटे में आके उसको एकदम घस दो कि बेटा मैंने तो ये कर दिया। और देखना, मैं बता रहा हूं, कुछ अलग लेवल की एनर्जी, कुछ अलग लेवल का डोपामाइन रिलीज होगा, और पढ़ने से कभी मन नहीं भटकेगा। ऑलवेज रिवॉर्ड योरसेल्फ, पबजी के तरह बनो। पबजी ने क्या किया, पहले छोटे छोटे बॉट्स दिए आपको, इजी प्लेयर्स दिए, आपने उसको मार दिया, लेवल 1। वीडियो गेम में क्या होता है बेटा, वीडियो गेम में 50 लेवल होते हैं। अगर मैं आपको 50वां लेवल एक साथ दे दूं ना, आप कभी खेलोगे नहीं, वीडियो गेम अनइंस्टॉल कर दोगे। बट वीडियो गेम वाले बड़े अच्छे हैं, उन्होंने बड़ा दिमाग लगाया है, उन्होंने आपसे डोपामाइन रिलीज करा लिया। पता कैसे? पहले लेवल 1 जीतवा दिया आपको, लेवल 2 फिर थोड़ा सा और टफ करके जीतवा दिया, लेवल 3 जीतवा दिया, लेवल 4 जीतवा दिया, और जैसे आप जीतते गए, छोटे छोटे टास्क करते गए, डोपामाइन रिलीज भरते गया, डोपामाइन भरते गया, और मन करते गया खेलने का, देयरफॉर यू गेट एडिक्टेड। बेटा आप सब लोग बायो के स्टूडेंट हो, लोग ड्रग एडिक्ट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि एक बार आप सिगरेट ले दो, ठीक है, थोड़ा सा, 2 बार ले तो फिर थोड़ा सा डोपामाइन, 3 बार ले तो फिर थोड़ा सा डोपामाइन, एंड सो ऑन। सो इट्स ऑल द गेम ऑफ अ ब्रेन एंड द हार्मोन्स इनसाइड इट। क्यों ना हम अपने काम को उस ब्रेन के अकॉर्डिंग कर ले कि हमारा काम हो जाए। तो ऑलवेज 3 चीजें मैंने आपको बताई, हमेशा पहले दिन कल क्या करना है आज रात में तय हो जाना चाहिए, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड वही सोचेगा सर। दूसरा मैं आपको बता दूं कि सर, टास्क को लिखना है और उसको काटना है, और हमेशा ऐसा सोचोगे ना कि सर मैं 50वां लेवल का वीडियो गेम जीतना है, जैसे आप सोचते हो मुझे डॉक्टर बनना है,
50th लेवल का वीडियो गेम जाना है, नहीं बेटा कभी नहीं हो पाएगा उस तरीके से। आप सोचो कि हाँ कल का टास्क मेरा कंप्लीट हुआ, लेवल 1 कंप्लीट हो गया, फिर सोचो लेवल 2 में कैसे जाओगे, तो कल का कंप्लीट होगा ना तो अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा, फिर लेवल 2 चले जाओगे, फिर लेवल 3 चले जाओगे। अब देखते हो वीडियो गेम में अटकते हुए हो ना तो वापस लेवल 3 स्टार्ट कर देते हो, 2 बार 3 बार 4 बार खेल के लेवल 3 क्लियर कर देते हो, क्योंकि लेवल 2 का डोपामाइन रिलीज हो चुका है, लेवल 1 का डोपामाइन रिलीज हो चुका है। क्लियर है? यस। सो इन सब चीजों को आप करें अपने उसमें, ठीक है ना, छोटे छोटे पार्ट्स में आप अपने चीजों को बनाएं, हमेशा टू डू लिस्ट बनाएं मेरे दोस्त, हमेशा। दो तीन चीजें मैं छोटी छोटी बताऊंगा, लेकिन जब जब पढ़ने का मन ना करे ना ये सब किया करो, और मैं बता रहा हूं पढ़ाई की लत लग जाएगी। हमेशा अपनी टू डू लिस्ट बनाएं और टू डू लिस्ट कंप्लीट करने के बाद उसको काटते जाएं। माय डियर स्टूडेंट, इस तरह की आप देख रहे हो, ये आप ही के किसी आप देख सकते हो, ये 15-16 पार्ट में डिवाइड कर दिया कि लॉज ऑफ मोशन, लेक्चर नोट देखने हैं, लंच ब्रेक यहां करना है, एक्सरसाइज यहां करना है। थोड़ा सा रात का टाइम लेगा, लेकिन थोड़ा सा सोने का समय कम कर दो ना, क्या जा रहा है, डॉक्टर बन जाना तो आराम से सोना ना, कोई रोक नहीं था आपको। लेकिन देखो इसमें कितना सही अपने आप को ये बनाया है इसने टू डू लिस्ट, और ये डेट लिखा है, संडे लिखा है, और जैसे ही फर्स्ट टास्क होगा ना बेटा कैंसिल, सेकंड टास्क होगा ना कैंसिल, तीसरा होगा उसको भी काट दो। जैसे ही काटते जाओगे डोपामाइन रिलीज होते जाएगा और पढ़ाई में मन लगता चला जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग दिस। ठीक है, ज्यादा लंबा इस वीडियो को नहीं रखेंगे, क्योंकि इस वीडियो का पूरा मकसद यही था कि आप इन चीजों को करो और मेरे को 15 दिन बाद रिपोर्ट देना। बेटा रिपोर्ट अच्छी मिलेगी, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, समझ रहे हो? यस। तो आई होप कि आपको ये चीजें करके और आपके अपने उसमें अच्छा लगेगा पढ़ाई में। बेटा अगर आपने टेलीग्राम चैनल डाउनलोड नहीं किया ना तो आप डाउनलोड कर लीजिए और अभी जुड़ जाइए इसमें, ठीक है ना। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए बेटा आपको इतनी सारी फैसिलिटीज मिलती है, आप एडुकेटर के साथ लाइव क्लास से पढ़ सकते हैं, एडुकेटर को इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड्स ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज एनालिसिस और लाइव डाउट क्लैरिफिकेशन सेशन से आप अपने आप को और बेहतर कर सकते हैं। ये वही चीज है बेटा, ये भी डोपामाइन ही तो है और क्या है। आप सोचो कि लीडर बोर्ड में आपका नाम पहला देखा तो फिर अगली क्लास करने का और मन करेगा कि मेरे को फिर से एक बार। These are the small, small tasks. ये dopamine ही तो है, समझ रहे हो? और कुछ नहीं है। Unacademy subscription में बेटा 1 दिसंबर से मेरी बैच लॉन्च हो रही है, कल से यानी कि कल या तो परसों से लॉन्च हो जाएगी। 1 दिसंबर से बैच लॉन्च हो रही है फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें 11th और 12th का मतलब धुआंधार तरीके से पढ़ाया जा रहा है। अगर आप उस फिजिकल केमिस्ट्री के बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं, Unacademy लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए और सब्सक्रिप्शन लीजिए। और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको बाहुबली कोड लगाएंगे ना सब्सक्रिप्शन लेते समय, तो आपको एक तो डिस्काउंट मिलेगा, दूसरा हमारे एक पर्सनल मेंटोरशिप बैच में आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। मैं आपको गाइड करूंगा एक अलग तरीके से आपको तैयार करूंगा आफ्टर यूजिंग दिस कोड, ठीक है ना बेटा। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, आप अपना पर्सनल मेंटोर, पर्सनल गाइड चाहते हैं 24/7 की तरीके से, अगर आप डाउट्स डिस्कस करना चाहते हैं, आप अपने टीचर से बात करके अपनी स्ट्रेटजी प्लानिंग करना चाहते हैं, तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ठीक है बेटा। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप, ये आपके सामने जो चेहरे दिख रहे हैं वो आपके पर्सनल कोच हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। नीट यूजी प्रिपरेशन को आप नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं बेटा, लाइक जरूर कर देना। और जिन्होंने यहां तक वेट किया है बेटा, कमेंट करके नीचे जरूर बताना कि ये वीडियो सबको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, कंप्लीट देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए, ये नीचे आप ही बता देना। आप लोग यहां तक रुके हो इसका मतलब आपके अंदर पेशेंस है। आफ्टर शेयरिंग दिस वीडियो मस्ट लाइक दिस एंड कमेंट करके बेटा जरूर सबको बताना, yes, this is something to be watched. Thank you so much. This is a scientific cause, मैंने आपको बताया, और I hope it will help you. Thank you so much for joining the session. Take care, guys. Bye-bye.